तो वहीं 25वें कारगिल विजय दिवस 2024 पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृतिका युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की थी। आज हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन रात सुबह शाम अपने घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा नौजवान भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन और रात सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चिंतता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों को जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए या देश के अंदर अगर कहीं पे किसी भी विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारे बहादुर जवान जाता है, उस बहादुर जवान के शहीद होने पर हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने उस समय यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी हमारा जवान जो भी इस युद्ध किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, हम राज्य शासन की ओर से भी उस परिवार को न केवल 50 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन देगा, अपितु उस परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सेवा का अवसर भी राज्य सरकार प्रदान करेगी।